दादी माँ के घरेलू नुस्खे अपना कीमती समय निकाल कर जरूर पढ़ें। मॉनसून आ चुका है और ऐसे में किचन का सामान और चीज़ें खराब होने का सबसे ज़्यादा डर होता है। आइए जानते हैं, आपको ऐसे टिप्स बताएंगे जो आपकी इस मुश्किल को आसानी से हल कर सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाद में आप भूल जाते हैं, आपका एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ाती है। आपके किचन का सामान अब और नहीं होगा ख़राब और बर्तनों में जंग लगने वाली समस्याएं एकदम हो जाएंगी ख़त्म। यह ट्रिक और टिप्स आप जान लेंगे तो ज़रूर सोचेंगे कि काश हमें पहले पता होता। नंबर एक, यह बरसात का अमृत है। बारिश के मौसम में हल्दी वाला दूध शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। एक गिलास दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीने से शरीर की सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आमतौर पर लोग हल्दी वाला दूध सर्दियों में ज़्यादा पीते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में गोल्डन मिल्क कई बीमारियों से बचाने में चमत्कारी हो सकता है। इसमें करक्यूमिन और प्लेवेनाइज्ड होते हैं जो बरसात के मौसम में फ्लू से बचाने में मदद करते हैं। नंबर दो, पीतल के बर्तन पर बहुत अधिक दाग धब्बे हो गए हो तो बेकिंग सोडा और नींबू की मदद से साफ कर सकते हैं। इसके लिए बेकिंग सोडा और नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को बर्तन पर लगाकर करीब 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर हल्के गर्म पानी से धो लीजिए। सारे दाग धब्बे छूमंतर हो जाएंगे। नंबर तीन, टमाटर नहीं होंगे ख़राब। मॉनसून आते टमाटर के रेट एकदम आसमान छूने लगते हैं। इसका कारण है कि बारिश ज़्यादा होने के कारण फसलें सबसे ज़्यादा ख़राब होती हैं और टमाटर और अन्य सब्जियों की सप्लाई नहीं हो पाती है। ऐसे में टमाटर को बरसात में सड़ने से बचाने के लिए ट्रिक अजमाएं। सारे टमाटर को धोकर अच्छी तरह से पोंछ कर साफ़ कर लें। इसके बाद उनके ऊपर से स्टेम को हटा दें। अब एक मोमबत्ती को जलाकर दो दो बूंद टमाटर की स्टेम वाली जगह पर टपका दें। इससे ऊपर की जगह सील होगी और टमाटर 10 से 15 दिन तक आराम से चलेंगे। जब भी टमाटर का इस्तेमाल करें तो मोम हटा कर धो लें और इस्तेमाल कर लें। नंबर चार, बारिश के मौसम में मक्खियां आने लगती हैं। तब मक्खियों को दूर करने के लिए आप एक गिलास में 2 चम्मच नमक भरें और पानी डालें। अब इस पानी को एक स्प्रे बोतल में भर लें और घर में अलग अलग जगह पर छिड़क दें। जिस स्थान पर यह पानी छिड़का जाएगा उस स्थान पर मक्खी नहीं बैठेगी। नंबर पाँच, आटा नहीं होगा ख़राब। कीड़ा नहीं लगेगा। आटे के कंटेनर को आप हफ्ते में एक बार धूप में ज़रूर रखें। इससे कीड़े तुरंत हट जाएंगे और इन्हें किचन में स्टोर करते वक्त 7-8 लौंग इकट्ठा करके आटे के बीच में दबा दें। नंबर छः, गर्मी के मौसम में नींबू महंगे हो जाते हैं और गर्मी में नींबू पानी पीने का तो सभी का मन करता है। इसलिए नींबू को स्टोर करने के लिए नींबू को धोकर साफ कर लें, सुखा लें और फिर इसे एक एक करके सारे नींबू को अलग अलग नैपकिन में लपेटकर फ्रिज में रख दें। इससे नींबू ज़्यादा दिन तक चल जाएंगे। नंबर सात, चाकू में नहीं लगेगा जंक। किचन में चाकू के बिना तो कोई काम संभव नहीं है। यह हमारे किचन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नमी के कारण इन चाकुओं में जंक बहुत जल्दी लगने लगता है। इसलिए अगर लोहे की चाकू है तो उसमें सरसों का तेल लगाकर उसे साफ कर लें। इससे चाकू में जंक नहीं लगेगा। नंबर आठ, बरसात में सूजी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, कीड़ा लग जाता है। इसके लिए सूजी को स्टोर करने के लिए इसे एक कढ़ाई में डालें और गैस पर हल्की आंच पर रखकर इसे भून लें। बस हल्का हल्का भूनें। इसे ठंडा करके डिब्बे में बंद करके रख दें। इससे सूजी में कीड़ा कभी नहीं लगेगा। नंबर नौ, बरसात के दिनों में कई लोगों के पैरों की उंगलियां ख़राब हो जाती है और खुजली होने लगती है। यह सब गंदे पानी की वजह से होता है। इसके लिए आपको हफ्ते में एक बार अपने पैरों की उंगलियों पर एलोवेरा के पत्ते को काटकर लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से पैरों में इन्फेक्शन नहीं होगा। नंबर दस, मिक्सर जार में मसाले पीसने के बाद उसकी महक रह जाती है। उसके लिए मसाला पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा चावल पीस लें।
इससे मसाले की महक निकल जाएगी। नंबर 11, अगर हरी सब्जी बासी लग रही हो तो ठंडे पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर 2 घंटे के लिए उसमें रख दें, निकालने पर सब्जी ताज़ी लगेगी। नंबर 12, बरसात का मौसम चल रहा है और जिन लोगों को हरी सब्जी खाने का शौक़ है उन्हें हरी सब्जी को बहुत अच्छे से धोकर साफ़ करके तभी बनाना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। नंबर 13, बरसात के मौसम में नमक के डिब्बे में 4 लौंग डालकर रखने से नमक में पानी नहीं होता है। नंबर 14, अगर आपके मुंह में बदबू आती है तो दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखें, मुंह से बदबू आना तुरंत दूर हो जाएगा। नंबर 15, अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हो तो हफ्ते में 2 बार प्याज का रस लगाने से राहत मिल सकती है। नंबर 16, सौंठ को बकरी के दूध में मिलाकर नाक से खींचने से सभी प्रकार के सिर दर्द में राहत मिल सकती है। ऐसे ही टिप्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें।